तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो तक आसानी पहुंच सके। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि भाई सुबह सुबह जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो परी बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो गई। मुझे नहीं था पता कि वो हंस रही है, लेकिन जब मैंने बाद में वीडियो को देखा तो भाई हंसना शुरू हो गई। और ये देखने, ये माइक मैंने लगाया हुआ है, माइक के ऊपर जो लगी होती है ना ये कैडेट, इससे हवा कैच होती है। लेकिन ये जब मैंने लगाया तो माइक के आगे आना शुरू हो चुकी थी, तो फिर मैंने उतार दिया क्योंकि इससे माइक सामने नज़र आ रहा था। तो सोचा कि चलो उतार देते हैं। अभी मुझे जाना है जी बाहर, तो थोड़ी सी कच्ची सब्जी खाने के लिए और थोड़ी सी रनिंग करने के लिए। आज आपका भाई तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करेगा, तो चलते हैं। तो जनाब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मुझे वापसी पे आके अभी नाश्ता भी करना है। नाश्ता करने के बाद फिर आपको पता है कि अब डेली की रूटीन यही बनाइए कि सुबह डेली हम नाश्ता किया करेंगे, और वो रूटीन हम ख़राब नहीं करनी, क्योंकि पहले कभी मैं नाश्ता नहीं था करके जाता, लेकिन अब इंशाल्लाह नाश्ता डेली करके जा करेंगे। पहले मेरे पास ये ट्राईपॉड नहीं था, लेकिन अब ट्राईपॉड मैं ले आया हूँ, ताकि इसका ये फ़ायदा है कि आप सिनेमैटिक वीडियो को बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इस वजह से फिर सोचा कि ये लेके आते हैं। और माइक मेरे पास पहले था, ये मैंने बाई किया था दराज से, तकरीबन 4500 का बाई किया था। उसके साथ मैंने ट्राईपॉड भी बाई किया था, लेकिन वो ट्राईपॉड बिल्कुल छोटा सा था, बड़ा ट्राईपॉड नहीं था। तो ये मैंने ट्राईपॉड इसलिए लिया था ताकि इससे सिनेमैटिक वीडियो जो है ना वो भी शूट की जा सके, क्योंकि वीडियो में कोशिश किया करें कि सिनेमैटिक वीडियो ना वो भी आप ऐड किया करें, उससे वीडियो की लुक अच्छी आ जाती है और भाई फिर देखने वाले के इंप्रेशन भी अच्छे होते हैं। ये मेरे पीछे देख लें, ये गाँव की खूबसूरती है। अभी भाई 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, रनिंग करने के बाद फिर वापस आते हैं। ये देख लें बाग, इधर से कुछ लेते हैं अमरूद वगैरह, और सूरज देख लें जी, आज सूरज काफ़ी निकला हुआ है, तो आज अच्छी खासी धूप लगेगी। तो मुझे इधर से 2 से 3 या 4 अमरूद लेने हैं। कहा जा रहा था रास्ते में उससे मैंने अमरूद ले लिए कि भाई मुझे अमरूद दे दो, कहता पक्के हैं बेहतर है वैसे, लेकिन खट्टे हैं, खट्टे मीठे जिंदगी हमारा तो खट्टे में है। ये चेक करें जी, लीमू का पौधा, कितने लीमू लगे हुए हैं माशाल्लाह। और ये बाग, और मैं इधर को जाना है, मैंने मेरी जी रनिंग का टाइम अभी स्टार्ट होने लगा है, तो रनिंग करते हैं उसके बाद फिर वापस चलते हैं, क्योंकि ये रनिंग का पहले दिन वही ना हो गए, आज ही सारी दौड़ लगा लें, कल के लिए भी कुछ रखेंगे ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन कम लगा के जाएंगे ताकि बंदा फिट रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको पता है कि अच्छा व्लॉगर बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन लोग आपको यही कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, काम ना करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लगे रहने से बंदा कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाता है, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन छोड़े नहीं, कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो ये मैंने सुना था एक, मतलब जॉन वार्डन थे शायद, जिसने ये बोला था कि मैं 3 साल तक, मतलब 6 मिनट की रनिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 साल मेहनत की, और लोग 5-6 मंथ मेहनत करने के बाद उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि भाई मैंने कोई काम भी करना है, और अपने मकसद को पाने के लिए पागल हो जाओ, बस लगे रहो, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेंगी। बेसिकली ये रनिंग के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता वैसे वो सामने को है, लेकिन मैं इसलिए इधर आया हूँ क्योंकि भाई हरा भरा मंजर देखने को फिर दिल करता है, और कुछ खाने को भी मिल जाता है, इस वजह से सोचा कि चलो इधर ही चलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कह लें कि आज, जिसे बोलते हैं ना कि डेमो के लिए आज की है, तो कल से रेगुलर हम जाया करेंगे रोड पे, क्या ख्याल है। बेसिकली जो रनिंग करनी होती है ना, मैंने वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। इधर जाने इधर आना, इतनी लंबी रनिंग नहीं होती, आपको थोड़ा सा मैं डेमो बता देता हूँ कि ऐसे आप रनिंग करेंगे तो फिट भी रहेंगे, चेक करें।
हाय मेरी तो हो गई जी बस, इससे ज़्यादा और रनिंग नहीं हो सकती। आपको पता कि बंदा रेगुलर हो ना फिर अच्छी खासी रनिंग होती है। मेरी सांस फूल रही बहुत ज़्यादा, अभी घर जाके पानी पीते हैं। ये रनिंग अगर आप करेंगे ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और बाहर ये होता है ना कि सुबह सुबह बंदा निकले वर्जिश हो जाती है, और जनाब क्या ही बात है सुबह के मौसम की। तो सुबह रनिंग का ये फ़ायदा है, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी और प्यास लगेगी, फिट रहेंगे आप। इस वजह से भाई ये सब ज़रूरी था, और मुझे भी जाना है घर को, जाग फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए, क्योंकि यही आप डेली के जो व्लॉग्स आया करेंगे ना वो थोड़े से हट के आया करेंगे, मतलब डेली की रूटीन जो ड्यूटी पे जाना ड्यूटी से आ जाना ये मिस करेंगे हम, उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। लोग जब पूछते हैं कि भैया आपका चैनल है यूट्यूब पे, तो खुशी होती है कि लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे उसमें 10 व्यूज भी नहीं आ रहे लेकिन लोगों को पता चल गया होगा, गाँव वालों को बेसिकली। पहले गाँव वालों को नहीं था पता, लेकिन अब उनको भी पता लग गया कि असद का यूट्यूब का चैनल है, लोग देखते हैं। लेकिन अभी जब वायरल होंगे ना तब मज़ा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी जाग के रोटी नहीं पका के दीती मैनू, तो सुते रह गए हो, सुते रह गए हो ना, जाग हो बोलिए तो ऐसे करोगे रोटी पकाइए। आहो सुते दे उठे वाले हाँ जी मेरा बेटा है, अब इसको मैं ऐसे समोकूंगा तो फिर पैसे लगेगी दंदी काटूंगा। आए मजा आया उनको, मजा आया मैं उठ गई थी आपको कुछ नहीं पकड़ा नहीं सो मैं दंदी काट बहुत ज्यादा। अभी सो के उठी जी, और जब सो के उठे ना तब अपने मूड में नहीं होती, लेकिन फिलहाल सोइए और अभी मैं जाने लगा हूँ ड्यूटी पे, और बिल्ली के साथ हमने प्यार कर दिया। ये देखें रात छुटती है गंदी। ये आगे जनाब मैं धूप में बैठा हूँ छत पे, वो सामने देख रहे हैं टूटी हुई कुर्सी, उधर बैठा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सारे अभी टीम अभी आई है तो नहीं मैं भी सफाई करने लगा, तो सोचा कि चलो मैं इधर छत पे आके थोड़ा बैठता हूँ ताकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही, साथ में बैठेंगे तो फिर धूप लगेगी तो जिसम गर्म हो जाएगा। आज जनाब देने लगे हैं सब पार्टी, उनके मरीज ने उनको भेजे हैं 50,000 रुपया उनके मरीजों ने भेजा है, तो उनको बोला कि पार्टी बन गई है। तो अभी हम लेने जा रहे हैं आज फिर मोटा गोश, वो मैं सिम साहब जहाँ लेने जा रहे हैं, जाके लेके आते हैं आज फिर शोरूम पे ही पार्टी चलेगी। तो भाई मरीज हो जिस तरह के हों पैसे भेजें इंजॉय करें, सिम साहब कुछ भी पीने शुरू कर शुरू करते हैं जी। गोश्त लेने के लिए हम आ गए हैं, सिम साहब ने ऑर्डर दे दिया है तो चेक करें माशाल्लाह अभी फ्रेश फ्रेश गोश्त हुआ है। गोश्त आपको या तो किंगड़ा से मिलेगा या इधर से मिलेगा, तो अभी फिलहाल इधर से लेते हैं। तो ये चेक करें, ये हमारे कस्टमर भी हैं तो जनाब स्पेशल गोश्त मिलेगा फ्रेश। ये कुछ पाए पड़े हुए हैं, किसी को जाइए बताएंगे आपको दे देंगे। लें जी सारा कुछ ऐड कर लिया है वैसा ही जो उस दिन बनाया था हमने, तो प्रेशर रख लिया उधर कि चलो भाई 15 मिनट लगवाते हैं। उस दिन हमसे एक मिस्टेक एक ये हुई थी कि हमने जब वो सीढ़ी उसकी चलती है ना तब हमने उतार लिया, लेकिन उसके बाद 15 मिनट लगवाने थे जब वो उसकी आवाज़ आएगी, तो आज वही सीन करेंगे। अभी ऊपर रख दिया तो 5-10 मिनट बाद 15 मिनट लगवा के उसके बाद फिर भाई मजे से खाएंगे। आलन रेडी हो गया, आप साहब ने आज पार्टी दी है, आप साहब सारे मरीजा ने भेजा है 60,000 रुपया, 50,000 भेजा वाह जी वाह क्या बात है, 50,000 रुपये जाए और उनकी पार्टी दी है। सालन मैंने बना ली है, ये देखें
ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੌਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਕੌਰਮਾ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਹ ਸੇ ਆਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੌਰਮਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਭੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬੋਤਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਆ ਗਏ ਤੋ ਬਈ ਕੌਰਮਾ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਬੜਾ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਥੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣਾ ਥਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾ ਤੋ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤਰੀ ਸੋਏਗੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜਾਏਂਗੇ ਘਰ ਮੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਜਲਦੀ ਜਾਏਂਗੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਸਭਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਓਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੀਏਗਾ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕੀਜੀਏਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ